विवेकानंद अकेडमी भिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं साथियों। ठीक है, और साथियों आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूं, ये पुरानी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इनके मैं वीडियो लेकर के आया हूं साथियों। ठीक है ना, तो आप लोग जो है अच्छे से वीडियो को देखें और आप लोगों के ओपिनियन भी कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जो हैं साथियों अगर आपको कोई भी प्रश्न के अंदर कुछ भी अगर डाउट लगता है तो आप लोग जो हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं साथियों। ठीक है ना, तो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है अपना, भीम डूंगरी, ठीक है, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बताइए आप अपना आंसर, तब तक जल्दी से फटाफट सोच के बता दीजिए साथियों अपना आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप बता दीजिए साथियों। ये जो प्रश्न है, आप लोग इसमें अगर कोई भी गलती हो जाती है या छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं कमेंट को हैं उसमें पिन करके मैं आपको सुधार कर दूंगा। तो साथियों जल्दी से बताइए। अब साथियों इसे ये जो वीडियो है ये अभी 29 नवंबर 2015 को पूछे गए वुमेन सुपरवाइज़र के लिए है, और वुमेन सुपरवाइज़र के लिए साथियों अभी एग्ज़ाम होने वाला है, अभी फार्म भरे जा गए थे या भरे जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये पार्ट वन है, अभी 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें और भी राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे वो मैं सब लेकर के आऊँगा। एक तरह से ये डेमो वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों के जो है विचार कमेंट के माध्यम से देखना चाहता हूँ कि ये जो पहली क्लास है वो कैसी लगी आप लोगों को। तो साथियों भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बेराट। क्या हो जाएगा? बेराट। साथियों मैं आप लोगों के लिए तीन और ऑप्शन क्या थे वो भी मैं बोल दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, इनमें से जो सही आंसर होगा वो बेराट सभ्यता का। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है दोहरी रक्षा प्राचीर। तो इसके जो साक्ष्य हैं वो किस प्राचीर के किस सभ्यता से प्राप्त हुए साथियों, तो वो आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए मेरे साथियों, जल्दी से बता दीजिए ताकि हम आगे चल सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा साथियों? कालीबंगा सभ्यता। साथियों ये प्रारंभिक क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को जो है इसमें आप लोग और भी अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप लोग इसमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? बता दीजिए आंसर, कौन था इसका आंसर? चार ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, राज्यपाल, महेंद्रपाल, महीपाल, यशपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, एक बार आप सोचिए ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यशपाल। ठीक है, आप लोगों को साथियों कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है साथियों राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए सीरीज लाऊंगा, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैं करवा सकूं। प्रश्न नंबर 4 है, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ किस जगह पे हुआ है? तो साथियों इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सांभर। आप लोग मुझे ये भी बता दीजिए कि वन लाइनर ठीक है या इसके साथ में चार ऑप्शन ऐड करूँ, ताकि आप लोगों को जो है जल्द से जल्द उससे आपको बेनिफिट भी हो सके, अगर आप लोग बता दीजिएगा। वैसे अभ्यास करना है आपको, ठीक है, थ्योरी भी आपको पढ़ते रहना साथियों, ये केवल और केवल एक तरह से अभ्यास है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्री निशुल्क उपलब्ध करवा रहा हूँ, ये लोग आप लोग ध्यान रखें। तो आप लोगों का अगर कोई और भी प्रश्न है इनसे संबंधित तो आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई है? अगला प्रश्न है 6ठा, चलो पहले 6ठा कर लेते हैं फिर 5वां कर लेंगे। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई है? तो इसका जो साथियों आंसर होगा मालवा और गुजरात। क्या होगा साथियों? मालवा और गुजरात। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित हैं, चुंगी तीर्थ कहाँ पे स्थित है साथियों? तो ये हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जैसलमेर। अगला प्रश्न नंबर 7, बता दीजिए आंसर, लालनाजी, चोकनाजी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? लालनाजी, चोकनाजी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय। आंसर हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 8, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा है? बता दीजिए,
ठीक है, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ऐसा किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मनोहर स्वामी। क्या हो जाएगा साथियों? मनोहर स्वामी। ठीक साथियों, हो सकता है किसी प्रश्न में अगर आप लोगों को लगता है कि इस प्रश्न का आंसर ये है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट बता दीजिए। ठीक है, अपने कोई भी जिद नहीं है, क्योंकि अगर गलती है तो उसको हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक साथियों, क्योंकि अभी हम बड़ी बड़ी कोचिंग के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन एक प्रयास है हमारा कि हम इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है गरीब छात्रों की मदद कर सकें। ठीक साथियों, बताइए ताकि हमारा भी अभ्यास हो जाए और जिनको वास्तव में नीड है उनको भी तक ये वीडियो पहुंच जाए। शेयर जरूर करके बताएं साथियों। मारवाड़ा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनोथ नैन्सी ने लिखा है। काफ़ी विख्यात जो है ये कविवर हैं। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, बूढ़ी तीज। ठीक है, बूढ़ी तीज आप बता दीजिए। तो ये हो जाएगा साथियों, कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बूढ़ी तीज साथियों। ठीक है जी, ध्यान रखें, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो साथियों, ये इस तरह से 10 प्रश्न थे। अब आप लोगों को लगता है इनमें कोई ना कोई कमी पेशी रह गई है या इसको इस तरह से पढ़ो, तो आप सभी के जितने भी विचार हैं वो यहाँ पे सादर आमंत्रित हैं। ठीक साथियों, अगला वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। अगला जो वीडियो है वो प्रश्न नंबर 11 से शुरू होगा। ठीक है, 11 से लेके ऐसे ही आगे जितने भी क्वेश्चन मैं करा पाऊँगा, 30-40 टोटल जो है इस पेपर में वुमेन सुपरवाइजर में राजस्थान जीके से संबंधित 60 क्वेश्चन आए हैं, तो वो मैं आप लोगों को एक दो वीडियो के माध्यम से मैं आपको जल्द से जल्द पहुँचा दूंगा इसी माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो साथियों, इस तरह आपके वीडियो कम्युनिटी में जो भी बेरोजगारों से रिलेटेड आवाज़ होती है उसको भी बुलंद करते हैं, साथ में अब पढ़ाई का भी जो है जारी रखेंगे, ताकि आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होती है तो वापस से भर्तियों का सिलसिला जारी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।